मानहानि केस में अपनी लोकसभा सदस्यता गंवा चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। बीते गुरुवार को राहुल गांधी अचानक उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में पहुंच गए। जैसे ही राहुल गांधी के मार्केट में एंट्री हुई, वहां छात्रों का सैलाब आ गया। राहुल गांधी ने UPSC और SSC की तैयारी कर रहे छात्रों से भी बातचीत की और उनसे कई तरह के सवाल जवाब भी किए। राहुल ने छात्रों से परीक्षा की तैयारी को लेकर भी बातचीत की। बच्चे आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं, देश में वो किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, इन सब मुद्दों पर भी उनसे चर्चा की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने बीच पाकर छात्र छात्रा भी उत्सुक दिखाई दिए और उन्होंने भी राहुल गांधी से खुलकर सवाल जवाब किए। इसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी हंसी मजाक भी करते नजर आए और उनके साथ चाय की चुस्की भी ली। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार शाम पुरानी दिल्ली पहुंचे और उससे पहले बंगाली मार्केट भी गए थे। पुरानी दिल्ली में वो एक शरबत की दुकान पर भी रुके। बंगाली मार्केट में वो मटर चाट खाते हुए नजर आए। पुरानी दिल्ली और मुखर्जी नगर में भी उन्होंने लोगों से बात की थी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बेंगलुरु में भी इसी अंदाज में नजर आए। उन्होंने नंदिनी मिल्क पार्लर में आइसक्रीम खाई। उसके साथ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। आइए सुन लेते हैं मुखर्जी नगर में छात्रों ने राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद क्या कहा। सर ने काफी चीजों के बारे में बताया था, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया था और सर ने अभी यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसा रहा सब, मतलब सर ने क्या क्या देखा और ये सब किया बताया था। और सर ने मतलब ये बताया था, बच्चों को बताया था कि अपना पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखो कि आपको करना क्या है। और सर से ये पूछा था कि हमारी एजुकेशन में और फॉरेन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, तो सर ने बताया था कि वहाँ पे बच्चों को पूछने दिया जाता है, क्वेश्चन मीन्स उनके मन में जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उनको वहाँ पे पूरा सोल्व किया जाता है और यहाँ पे बच्चे को दबा दिया जाता है, बस गिनी चुनी चीज़ों के बारे में ही बताया जाता है। और ये कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और मतलब जो पावर है वो गिने चुने लोगों के मतलब सीमित हो रही है। मीन्स जो बड़े बड़े लोग हैं ना, सिर्फ वहीं 15-20 लोग ही पूरे देश को चलाते हैं। तो सर ने बहुत कुछ बताया था और मतलब सर से मिलके ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं। सर का नेचर बड़ा कूल और बड़े हम्बल बिहेव कर रहे थे। राहुल गांधी का मुखर्जी नगर में छात्रों से बातचीत करना और पुरानी दिल्ली में आम लोगों की तरह घूमते हुए शरबत पीने को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।